Realme का 6.5 kg मॉडल है और इसका जो मॉडल नंबर है RMPN 655NNDG। इस फंक्शन इसमें मशीन में क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं और ये कैसे ऑपरेट करेंगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपकी मशीन में टैप कनेक्शन मशीन के नियर अबाउट होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर के अंदर आपका टैप कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरा, इसका जो पावर सॉकेट रहेगा, पावर सॉकेट भी मशीन के नज़दीक में रहना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ड्रेन पाइप है वो हमेशा आपको वॉशिंग करते समय नीचे ही रखना है, ज़मीन पर ही छोड़ना है, उसको ऊपर रख के नहीं छोड़ना। आगे चलते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। कोई वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे वाटर लेवल और प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोसेस का और डिले का बटन है और ये स्टार्ट और पॉज बटन है, यानी कि इस कंट्रोल पैनल में टोटल 4 बटन दिए हुए हैं। इन 4 बटनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें वाटर लेवल और प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। दूसरा बटन जो है प्रोसेस और डिले का बटन दिया हुआ है। तीसरा स्टार्ट और पॉज बटन है, यानी कि मशीन स्टार्ट करनी हो या पॉज करनी हो ये मशीन को ऑन करने के लिए बटन दिया हुआ है। तो अभी इस मशीन को हम ऑन करेंगे। तो अभी हमने इसको मशीन को ऑन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका लाइट आ गया, यानी कि इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी हमने ऑन कर दिया, इसको सप्लाई ऑन कर दिया। अब हम इसके अंदर फंक्शन लगाएंगे। जो इसके अंदर फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड का है, उसके बाद हैवी है, उसके बाद डेलिकेट है, रैपिड वॉश है, वूलन क्लॉथ है, किड्स वेयर है, वाटर सेवर है और इको टच क्लीन है। तो इसमें कैसे इस फंक्शन को यूज़ करेंगे मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अगर आपको इसमें से कोई फंक्शन चूज़ करना है, मान लीजिए जैसे अगर आपको इसमें डेलिकेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो डेलिकेट कैटेगरी में अगर आप आगे देखेंगे तो CC लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए प्रोग्राम बटन को 3 सेकंड से ऊपर तक दबा के रखना है, तब यहाँ पे आपको ये जो ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। दूसरा, आपको अगर 2 सेकंड तक आपने दूसरा बटन प्रेस नहीं किया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हम प्रेस करते हैं इसको तो यहाँ पर देखेंगे AA आ गया। दोबारा प्रेस किया BB, CC में डेलिकेट, DD में रैपिड वॉश, EE में वूलन क्लॉथ, FF में किड्स वेयर, GG में वाटर सेवर और HH में आ गया इको टब क्लीन। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपका प्रोग्राम है। मान लीजिए आपके पास डेलिकेट कपड़े हैं तो आपको CC सेलेक्ट करना है और छोड़ देना है, तो ये ऑटोमेटिकली CC सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पानी का सप्लाई ऑन करना है, ये टैप कनेक्शन को ऑन करना है हमने। उसके बाद जितना हमारे पास कपड़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटर्जेंट डालेंगे। तो जितने हमारे पास कपड़े हैं उसके हिसाब से हम इसमें कपड़े डालेंगे और कपड़ों को खोल के डालना है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने इसको इस तरीके से डाल दिया, ऐसे करके नहीं डालना है, कपड़ों को थोड़ा लूज करके खोल के डालना है आपको। दूसरा, कपड़े जब भी आप डालेंगे तो कपड़ों को चेक कर लेना कि उसमें कोई भी कॉइल वगैरह या किसी प्रकार का चाबी या कोई मेटल पार्ट ना हो, नहीं तो वो कपड़ों को फाड़ सकता है, इसीलिए उसको पहले चेक कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कपड़े डालने हैं जितने आपको वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद इसमें डिटर्जेंट डालना है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर डिटर्जेंट डालेंगे और उसको बंद कर देंगे जितना हमने इसमें कपड़ा डाला। उसके बाद मशीन को ये स्टार्ट बटन से हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें क्या होगा कि जो हमने इसमें कपड़ा डाला है उसके हिसाब से मशीन पानी सेलेक्ट कर लेगी ऑटोमेटिकली और जो इसका वॉश साइकिल है वो इस टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं 33 मिनट्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें मशीन में पानी आना शुरू हो गया। अब यहाँ मशीन जो है अपना पूरा प्रोसेस करेगी, जिसमें वॉश होगा, फिर उसके बाद रिंस होगा, उसके बाद स्पिन होगा। तो ये था इसके अंदर फंक्शन, जो हम प्रोग्राम दिए हुए उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये हमने इसमें डेलिकेट वाला फंक्शन सेलेक्ट किया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आप पानी का प्रेशर देख रहे हैं, पानी का प्रेशर भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर पानी सही से मशीन में नहीं आएगा तो ये मशीन को टाइम पीरियड बढ़ सकता है और एरर भी आ सकता है, जो पानी का इनलेट एरर होता है जो बुकलेट में मेंशन है, इसीलिए पानी का स्पीड भी आपको सही होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने प्रोग्राम लगाया था, इसमें डेलिकेट पानी भर गया इसमें और मशीन जो है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं अभी इसमें वॉश प्रोसेस चल रहा है, वॉश में इसका आप लीड खोल सकते हैं, लेकिन जब आप वॉश कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप बीच में लीड बंद नहीं करेंगे तो स्पिन में आपका मशीन आगे नहीं जाएगा, इसलिए लीड को हमेशा बंद रखें, बीच में आप खोल के चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कोई कपड़ा छूट गया है तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं बीच में, लेकिन आपको छोटा स्मॉल साइज का ही कपड़ा डालना, कोई बड़ा चीज़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या होगा वाटर लेवल जो है फिर से मशीन लेने हो जाएगी। और अगर आपको कपड़ा डालना है तो आप पॉज करेंगे, पहले पॉज करने के बाद मशीन के स्टार्ट होने तक पहले ही डालना है, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी मशीन काफ़ी देर से चल चुकी है फिर आप डाल रहे हो तो कपड़ा साफ नहीं होगा, पहले ही डाल दीजिएगा मशीन अगर आपको मतलब स्टार्ट हो चुकी है, फिर लीड बंद करके स्टार्ट कर दीजिए। अब इस पल्सेटर का मूवमेंट देख रहे होंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका जो राउंड है वो थोड़े थोड़े ले रही है मशीन, क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको डेलीकेट में लगाया हुआ है, और डेलीकेट में ये होगा कि मशीन के अंदर जो साइकिल मतलब आरपीएम है वो कम हो जाते हैं, और अगर आप नॉर्मल या स्टैंडर्ड या हैवी लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा आरपीएम होगा, तो अभी ये डेलीकेट है इसलिए ये स्लो चल रही है, इसके राउंड ज़्यादा नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अभी 30 मिनट लेफ्ट है, मतलब 30 मिनट बचे हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे वॉश का लाइट ब्लिंक कर रहा है, और इसमें रिंस और स्पिन का लाइट अभी स्टेबल है। ये ब्लिंक का मतलब क्या होगा कि अभी आपका वॉश चल रहा है, जब ये लाइट बंद हो जाएगा तो रिंस पे आ जाएगा, और रिंस पे लाइट जलेगा तो इसका मतलब ब्लिंक करेगा तो रिंस हो रहा है, और उसके बाद अगर ये भी लाइट बंद हो जाता है फिर लास्ट में जब स्पिन पे आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। उसके बाद जब ये प्रोग्राम 29 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, लाइट सब बंद हो जाएगा, और एक बीप साउंड आएगा जो ये फंक्शन प्रोग्राम का एंड होने का इंडिकेशन आपको मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं अगर इस मशीन में आपको चाइल्ड लॉक लगाना हो तो मशीन स्टार्ट होने के बाद आपका वाटर लेवल और ये प्रोसेस और जो डिले है इन दोनों को एक साथ दबा के रखना है 5 सेकंड से ऊपर, और इसके बाद देखेंगे आप सी एल लिखा आ गया, तो सी एल में क्या होगा चाइल्ड लॉक हो गया तो उसके ये बटन जो है काम नहीं करेंगे, ये देख रहे हैं आप सारे बटन जो है लॉक हो गए। अब इसको अनलॉक करने का तरीका भी क्या है, इसको वापस आपने रिपीट करना है, सेम दोनों बटन को दबाना है, ये चाइल्ड लॉक हट जाएगा, अब आप देख सकते हैं ये बटन जो है काम कर। अब इसमें क्या है कि अगर आपको सेपरेट फंक्शन लगाना है, मतलब ये आप नहीं यूज़ करना चाहते जो इसमें लिखा है, आप इसमें सेपरेट वॉश सेपरेट रिंस और या सेपरेट स्पिन करना चाहते हैं तब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका ये स्पिन मोड आ गया 7 मिनट का, आप देख सकते हैं लाइट स्पिन मोड में चल रहा है, तो यहाँ पर आप सीधा स्पिन चला सकते हैं, तो जैसे आप तो ये स्पिन वाला अगर आपको मशीन में सिर्फ स्पिन करना है पानी निकालना है तो स्टार्ट बटन लगाना, तो आप देखेंगे उसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा पाइप में से, तो आप देख सकते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका स्पिन मोड होगा तो इसका लीड नहीं खोलना, अगर आपने लीड खोल दिया तो इसमें एरर आ जाएगा, और इसलिए इसको हमेशा लीड को हमेशा बंद रखें। तो अब आप देख सकते हैं इसमें स्पिन जो है स्टार्ट हो गया है, हमने अभी पानी निकाल दिया और 5 मिनट का इसमें लिखा आ रहा टाइमिंग। अभी देखिए स्पिन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब स्पिन मोड चल रहा हो तो इसका लीड नहीं खोलना है आपको, अगर आप इसका लीड खोल देंगे गलती से तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें ये एरर आ जाएगा E3 और ये टब जो है वहीं पर रुक जाएगा, तो इसलिए जब भी आप इसका स्पिन मोड चल रहा हो तो लीड को ना खोलें और लीड हमेशा बंद रखें, जैसे आप लीड बंद करेंगे तो मशीन वापस स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस मशीन में एक डिले ऑप्शन दिया हुआ है, जो डिले का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो कि मेरी मशीन जो है 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद यानी कि 1 से 24 घंटे के बीच में कभी भी डिले होने के बाद ऑन हो जाए, तो मान लीजिए आपका मशीन आपने रात को 12 बजे लगाया और आप चाहते हो कि सुबह 6 बजे मशीन स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे पहले हम फंक्शन लगाएंगे, तो मैं स्टैंडर्ड वाला फंक्शन लगा देता हूँ, ये मैंने AA स्टैंडर्ड वाला फंक्शन लगा दिया, अब ये डिले और प्रोसेस वाले बटन को प्रेस करके रखूँगा, तो यहाँ पे 2 घंटे से शुरू हो रहा है 3, 4, 5, 6, तो मैंने 6 घंटे का डिले कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या करना है प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो मेरा मशीन जो है 6 घंटे के बाद ही स्टार्ट होगा स्टैंडर्ड बोर्ड में, और ये 6 घंटे तक मशीन जो है कुछ नहीं करेगा, और जब 6 घंटे इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगा और जो फंक्शन हमने सेलेक्ट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम वाटर लेवल सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करती है तो इसीलिए आपको वाटर लेवल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर करना चाहते हैं आपको लगता है कि आप कम करके चलाना चाहते हैं पानी का लेवल जो है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो इसमें 1 से लेकर 6 लेवल है, बुकलेट में उस लेवल के हिसाब से लीटर्स लिखे हुए हैं कि एक लेवल में कितने लीटर आएगा और 6 लीटर दिए हुए हैं,
एक से लेकर आठ तक दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए आपको पता देखना है कि एक लेवल में कितना लीटर पानी आएगा, तो बुकलेट में आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लेवल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम कोई भी प्रोग्राम लगाएंगे, इसको दबा के रखा 2 सेकंड से ऊपर, तो यहाँ पर डबल ए आ गया। उसके बाद ये वाटर लेवल के लिए काम करेगा, अभी हम देखते हैं। तो अभी हम इसको प्रेस करते हैं तो 6 है 7 लेवल 8 लेवल फिर 1 लेवल। तो ये आप स्टार्ट करने से पहले वाटर लेवल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मशीन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगी, अगर उसको लगेगा जितना कपड़ा आपने डाला उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगी। फिर भी अगर आपको खुद भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। लेवल सेलेक्ट करने के बाद आपको मशीन को स्टार्ट करना चाहिए।